कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का जो मैंने शीर्षक यानी टॉपिक जो लिया वो है मनुष्य जीवन का जो सदुपयोग है वो केवल भक्ति योग करने से ही परिपूर्ण होगा। तो वो टॉपिक आपने मराठी में पढ़ा होगा मैसेज में है ना, लेकिन लेक्चर मराठी में नहीं है। तो मनुष्य जीवनाचा सदुपयोग म्हणजेच भक्तियोग, पण लेक्चर आहे हिंदीमध्ये। तो सर्वप्रथम ये जो टॉपिक है, जो विषय है, ये शुरू करने से पहले जो एक विचार करने वाला जो पॉइंट है, जो विचार करने वाला एक या सोचने वाला जो एक पॉइंट है, वो सबसे पहला ये कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सबसे पहला, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो एक गलती हो रहा है, सबसे बड़ा जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, वो मिस्टेक हम यही कर रहे हैं कि हम खुद को शरीर मान रहे हैं। तो हम खुद को शरीर मान रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है? आप में से कोई कह सकता है कि नहीं, मुझे पता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं खुद को आत्मा मान भी रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं आत्मा हूँ। लेकिन हम खुद को उतना अच्छे से हम खुद को आत्मा नहीं समझ रहे, इसका प्रूफ क्या है? तो इसका एक प्रूफ है, सबसे बड़ा प्रूफ, कि आप चिंतन किसका कर रहे हैं, ये सोचिए। आप 24 घंटे में कितने देर आप संसार का चिंतन कर रहे हैं? संसार मतलब भगवान छोड़ के सब आ गए उसमें, भगवान, भगवान के संत, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का नाम, ये छोड़कर, भगवत तत्व जो, उसको छोड़कर जो संसार है उसका हम कितने देर चिंतन करते हैं? तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम संसार का कितना चिंतन करते हैं और हम कितना आसक्त हैं। दूसरा, जब कोई हमें बहुत अच्छा कहता है, अलग अलग ढंग से लोग आपको कभी अच्छा कहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों में बयान करते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इस तारीफ के काबिल हूं? या कोई जब हमें बुरा कहता है, कोई जब हमें बुरा कहता है, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हमारी निंदा करते हैं, कुछ तो सामने से आके ही बोल देते हैं, है कि नहीं? ऐसा सबके साथ होता है। जैसे कल एकेडमी में मैं स्टेयर्स चढ़ रहा था, तो उधर एक अंकल जो है वो क्लीनिंग कर रहे थे, तो मैं इतना तेजी में था कि मैं वो जो क्लीनिंग करते उसके ऊपर से चढ़ के जा रहा था, तो वो चिल्लाने लगे। मैंने बोला सॉरी 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 सॉरी, तो बोलते काय सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हमारे लाइफ में होते हैं जहाँ पे लोग हमें ऐसा बुरा भी कहते हैं, तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, मेरा प्रश्न ये था कि हम खुद को शरीर कितना मानते हैं और खुद को हम आत्मा कितना समझते हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो सबसे पहले तो इससे मालूम पड़ेगा कि हम 24 घंटे में क्या चिंतन कर रहे हैं और किस चीज़ का चिंतन कर रहे हैं और कितने आसक्ति के साथ कर रहे हैं। सिर्फ चिंतन एक होता है कि हाँ मैं सोचता हूँ मेरे बेटे के बारे में, जो ज़रूरत है वो दे देंगे, ये यहाँ तक ठीक है, ये मतलब अपना ड्यूटी करना, ये एक चिंतन का एक लेवल हो गया। एक ये लेवल हो गया कि हाँ मैं मेरे बेटे के लिए सब कुछ कर दूंगा,
फिर कल ये किस कॉलेज में इसका एडमिशन होगा, परसों ये किस कंपनी में जॉब करेगा, तरसों ये किससे शादी करेगा, मतलब इतना चिंतन जहां तक हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत ज्यादा चिंतन, गहन चिंतन इस संसार का हम करते हैं। दूसरा मैंने बोला कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ों से मालूम पड़ सकता है धीरे धीरे कि हम खुद को कितना शरीर समझ रहे हैं अभी भी। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है जानना, एक है मानना। जानना मतलब कोई आपको जना देता है, कोई संत महात्मा आके हमारे जीवन में हमें जना देते हैं, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें ज्ञान देता है कि तू हा शरीर नवे, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये तो जानना हुआ कि जान लिया, हाँ। दूसरा हुआ मानना। मानना मतलब अब ये मान लेना, ये तो जाना, अब मानना, जानते तो बहुत लोग हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा, जानते हैं, बट मानते कितने लोग हैं। मानते मतलब क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। तो मानना मतलब ये है कि वो जो हमारा चिंतन है, हमारा मन है, अगर हम शरीर नहीं है तो शरीर संबंधी विषयों में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि हम शरीर नहीं है तो शरीर संबंधी विषयों में हमारी आसक्ति मतलब अटैचमेंट, देखो ऐसा तो है नहीं कि हम शरीर की ज़रूरतों को पूरा किए बिना जी सकते, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी हमें अन्न ग्रहण करना ही पड़ेगा, हमें भोजन खाना ही पड़ेगा, लेकिन इसका एक्सट्रीम क्या है, ये सोचना कि आज हम किस होटल में जाएं, किस होटल में जाए, बहुत पुराना गाना है, मतलब ये चिंतन करना आज मैं स्विगी करते हैं आप लोग, जोमेटो, आज कहाँ से ऑर्डर करें, आज क्या खाए, ये देखिए ये हो गया आसक्ति, ये क्या हो गया आसक्ति, चिंतन, हाँ दिमाग में वही चल रहा है, पिज्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम यही चल रहा है, तो ये हो गया आसक्ति। डिवोटीज का कैसे रहता है, भैया पेट भर दें, इतना कुछ नहीं है, थोड़ा सिंपल अच्छा खाना बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, खा लो। तो ये आसक्ति नहीं हुआ, ये हुआ कि जो शरीर की जरूरत है वो हम पूरी कर रहे हैं, ये एक लेवल हुआ, वो एक अलग लेवल हुआ। तो वो हमारा चिंतन, हमारी आसक्ति किसी चीज़ में इतनी बढ़ जाती है कि हम उसको एक अलग एक्सट्रीम लेवल पे जाके चिंतन करना शुरू कर देता है, तो तब वो आसक्ति बन जाती है, अटैचमेंट बन जाता है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् त्वं परिहार्यर्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, मतलब जन्म हुआ है, ध्रुवम सत्य, ध्रुव सत्य है कि क्या होगा, मृत्यु होगा। तो मृत्यु क्या है, तो मृत्यु क्या है वो भी बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणन्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये बोला, मतलब अब ये श्लोक का सीक्वेंस लगे, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या क्या भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान जो है अपने, वो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो एक बार ये कह रहे हैं कि अभी जन्म हुआ है तो मृत्यु होना ही है, और मृत्यु होने के बाद फिर जन्म होना है, तो क्या वही शरीर मिलेगा हमें, वही शरीर मिलेगा, वही परिवार मिलेगा, और वही जमीन जगह गाड़ी बंगला वही मिलेगा, नहीं ये नहीं बोल रहे भगवान।
बोल रहे जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्म होगा, जन्म जरूर होगा। फिर एक और श्लोक में कहते हैं इसी का कंटिन्यूएशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो भगवान ने बोला देहांतर, दूसरा देह मिलेगा, जन्म हुआ है मृत्यु होगा, मृत्यु हुआ है जन्म होगा, फिर देहांतर होगा, वही शरीर नहीं मिलेगा। मतलब अभी पुरुष का शरीर है तो बाद में स्त्री का शरीर भी हो सकता है, हा? अभी मानव देह है तो बाद में कुछ और भी आपको योनि मिल सकता है अलग, इतने 84 लाख योनि, देहांतर होगा, अलग देह मिलेगा। तो देही नोस्मिन यथा देहे, ये तीन श्लोक हम कनेक्ट कर रहे हैं समझने के लिए। देही नोस्मिन यथा देहे, तो देही मतलब आत्मा, देही नोस्मिन यथा देहे शरीर, और देही मतलब शरीर धारण करने वाला, वो है आत्मा। तो देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो आप देखिए जब आप या हम सब लोग जब छोटे थे, बालक थे, तो भी वही आत्मा थी लेकिन शरीर बदल रहा था। तो कौमारम यौवनम जरा, हम यौवन अवस्था में आए, फिर अब धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा। तो भगवान कहते हैं कि एक धीर व्यक्ति ये समझता है कि अभी मेरा ये बालक मतलब बचपन का रूप था, या मैं ये यौवन जवान हो गया हूँ, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा। तो वो कहते हैं कि ये जानकर तत् देहांतर प्राप्ति, और देहांतर दूसरा देह भी धारण करता है वो, ये समझते हुए समझता है कि मुझे दूसरा देह धारण करना है। धीरस तत्र न मुह्यति, वो उसका शोक नहीं करता, विलाप नहीं करता, दुख नहीं करता। तो ये देखिए, ये नहीं जरूरत नहीं, ये जो है ये बेसिकली ये एक आत्मा का लेवल, यहाँ पे भगवान यहीं से स्टार्ट कर दिए सेकंड लेवल पे, कि अगर आप सचमुच इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, किस प्लेटफॉर्म पे, सोल प्लेटफॉर्म पे, आत्मा, खुद को आत्मा समझना है कि नहीं। भक्ति योग हम तब कर सकेंगे अच्छे से जब हम खुद को क्या समझ सकेंगे अच्छे से, कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, आई एम, मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान मेरे अंश ही, मतलब मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान मेरे परम पिता हैं। तो तब हम समझेंगे कि हमारा जो अटूट रिश्ता, हमारा जो निरंतर जो एक रिश्ता है, वो केवल भगवान से है। क्योंकि इस देह में जितने रिश्ते हैं हमारे, जैसे मेरा एक, मैं एकेडमी जाता हूँ, मेरा एक काम है, मैं काम करता हूँ, घर है, परिवार है, ये सब बदलने वाला है अगले जन्म में, और ये कभी वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और मिलेंगे भी तो हो सकता है मेरी बच्ची ही मेरी माँ बन जाए, कोई गारंटी नहीं है, मतलब ये कुछ भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये समझते हुए कि आप अभी भी देह आपका बदल रहे हो, और जैसे जैसे हम देह बदल रहे हैं वैसे वैसे हम रिश्ते नाते भी जोड़ रहे हैं ना, हम थोड़े बड़े हो जाते फिर शादी कर लेते, नया रिश्ता बना लेते, सब कुछ बदल रहा है। तो ये सब कुछ बदलता रहेगा, और इस तरह से जो है शरीर भी बदल लेंगे आप, देहांतर प्राप्ति वो कन्फर्म है, देहांतर प्राप्ति। धीरस तत्र न मुह्यति, एक धीर व्यक्ति इस चीज़ का चिंतन करता है, वो इस चीज़ के बारे में सोचता है बार बार, इसके बारे में वो सोचता है कि हाँ सही है, मुझे अभी भगवान की दया से मुझे एक शरीर मिला है, एक ये परिवार मिला है, एक जॉब मिला है, तो मुझे ये अच्छे से करना है, निभाना है। शब्द क्या बोला मैंने, निभाना है, इसको निभाना है अच्छे से, ये निभाना मतलब ड्यूटी, निभाना मतलब क्या होता है, ड्यूटी, लेकिन आसक्ति के साथ निभाना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तब हम धीरज तत्र न मुह्यते नहीं हो सकेंगे, तब मरते वक्त बहुत वेदना होगी, मरते वक्त बहुत कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट से ज़्यादा होगा मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा होगा। देखिए आपको जब कोई बुरा कहता है, जैसे मानिए मैंने किसी स्टूडेंट को डांट दिया, मैंने कोई शारीरिक कष्ट दिया क्या उसको, कोई शारीरिक कष्ट नहीं दिया, क्या कष्ट दिया उसको, ज़्यादा मानसिक कष्ट, और उसको अंदर से बहुत वेदना होती है। बहुत पहले की बात है, जब मैं शुरुआत में, जब अभी 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, जब मैं शुरू में आया था तो मैंने एक बच्ची को डांट दिया था, तो वो 3 दिन रोई थी ये एक्सपीरियंस। तो धीरे धीरे अभी तो बहुत कम कर, मतलब अभी ऑलमोस्ट नहीं डांटता मैं बच्चों को, ऑलमोस्ट जीरो,
लेकिन ये देखो मानसिक कष्ट, तो वैसे ही जब मृत्यु के समय में जितना ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा चीज़ों से, जितना ज़्यादा इस संसार से अटैचमेंट रहेगा, परिवार से, जितना अटैचमेंट, समझ रहे हैं आप, मैंने बोला एक ड्यूटी लेवल है, एक अटैचमेंट लेवल है, ड्यूटी लेवल तक कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो तो हमें करना ही है, अगर वो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ड्यूटी लेवल तक तो हमें हमारा जो भी है वो करना है, लेकिन एक अटैचमेंट लेवल पे, मतलब दिन रात 24 घंटे उसका चिंतन अगर हम कर रहे हैं तो वो गलत है। देखिए, तो सबसे पहला तो ये हुआ कि हमें ये धीरे धीरे रियलाइज करना है कि हम ये शरीर नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, जब हमें शारीरिक कष्ट होता है तो हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट जब होता है, तो शारीरिक कष्ट जब होता है हम बहुत ज़्यादा, कोई भी विचलित हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप इस चीज़ का कंटिन्यूस निरंतर अगर ध्यान करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे परम पिता है, मेरा उनसे संबंध है, इसका चिंतन करेंगे तो शारीरिक कष्ट भी आपको ज़्यादा मन को तकलीफ नहीं देगा। शरीर में तकलीफ होगा लेकिन मन अंदर से क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, उसका निश्चय जो है वो बहुत अंदर से मजबूत हो जाएगा और हमें इतना कष्ट महसूस नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि ये समझना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा बार बार हमें। सिर्फ ये हम समझ लेंगे, हाँ ये मैं समझ गया हूँ कि मैं क्या हूँ, आत्मा, सिर्फ इतने से नहीं होगा, क्योंकि उसका टेस्ट भी होगा, भगवान उसका निरंतर क्या लेंगे, टेस्ट भी लेंगे कि सचमुच तुमने ये समझा है कि तुम शरीर हो कि आत्मा हो। अगर तुम्हारा 1,000 रुपये का लॉस हो गया तुम रोने लग जाते हो, शरीर हो कि आत्मा हो बताओ, हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, है कि नहीं, गिर गया चोट लग गया रो रहे हो, बहुत रो रहे हो, इतना मन में वेदना हो रहा है कि पता नहीं क्या टूट गया, क्या हो, हूँ तो आत्मा पर अभी तक लग रहा है शरीर से अटैचमेंट गया नहीं है। मतलब ये बहुत समय लगेगा इस चीज़ को अंदर डालने के लिए, पहला पॉइंट डालने के लिए बहुत समय लगेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, दिव्य है, ये शरीर दिव्य नहीं है, ये जो शरीर है ये तो पंच तत्वों का बना है, एक तरह से कहे तो दिव्य है क्योंकि भगवान ने बनाया, लेकिन आत्मा के कंपैरिजन में क्या ये दिव्य है, ये दिव्य नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, क्या है वो, शाश्वत, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, इसलिए वो दिव्य है, है कि नहीं। तो भगवद गीता में एक और श्लोक है, भगवान कहते हैं कि इसको आप जला नहीं सकते, इसको आप पानी में डुबा नहीं सकते, हवा से सुखा नहीं सकते, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो नैनम शोषयति मारुतः। ये बता रहे, तो ये आत्मा है, दिव्य है, इसको अग्नि से, हवा से, किसी चीज से असर पड़ने वाला नहीं है, पर शरीर ऐसा है क्या, शरीर तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सब हमारे होंठ फट जाते हैं, शरीर में बहुत वेदना, शरीर दिव्य नहीं है, दिव्य क्या है, आत्मा है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है, ये अगर हम सुन रहे हैं ये एक बात है, लेकिन इस पर चिंतन करना, हर दिन इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पर हमारा क्लैश बोलते हैं इंग्लिश में, क्लैश मतलब लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, बहुत कुछ हमारा कम होने लगेगा, बहुत ज़्यादा दूसरों से लड़ाइयाँ, दूसरों के प्रति हमारे मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, हमारे मन में उनके प्रति जो मन में अशांति है वो बहुत कम होने लगेगा, क्योंकि हम अपने आप को भगवान दिव्य सच्चिदानंद घन भगवान जो है श्री श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी, ये जो दिव्य डिवाइन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और उनके पार्षद और श्री गुरु महाराज, इनसे हम खुद को कनेक्ट करेंगे अंदर से, हृदय से, हृदय से जो है हम उनको कनेक्ट करेंगे, मन हमारा कनेक्ट होगा तो फिर हम जो हमारा कनेक्शन गलत चीज़ों से है, गलत विचार से है, गलत व्यवहार से है, वो कम होने लगेगा धीरे धीरे, पर ये चिंतन हमें बढ़ानी पड़ेगी, ये चिंतन हमें और समय के साथ इसको बढ़ाना होगा पहला। अच्छा चलिए अभी हम सेकेंड स्टेज पे आते हैं, मानिए हमने समझ लिया कि अब हम आत्मा है और आत्मा के लेवल पर हम कोशिश कर रहे हैं
म्हणजे आपण वागण्याची असा प्रयत्न करतोय आत्माचं स्तरवर. तर आता सेकंड स्टेज, तो अब ये समझना है हम लोगों सबसे पहले कि ठीक है आत्मा तो मैं हूं, लेकिन आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, ये सेकंड. ठीक है आई एम सोल, इतना समझने से काम नहीं चलेगा. ये तो बहुत लोग समझते हैं जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मानंद के पीछे लगे हैं, मतलब स्पिरिचुअल इफल्जेंस जो है भगवान का, या जो इवन मायावादी लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि हम आत्मा है. तो ये पहला स्टेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा. सेकेंड स्टेज है, हमें यह समझना होगा कि आत्मा का धर्म क्या है, शाश्वत धर्म हमारा क्या है. तो देखिए महाभारत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, हमने बहुत बार सुना भी है ये श्लोक. आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशुभिः समाना. बहुत ही सुंदर श्लोक है ना. क्या कह रहे हैं कि मानव मनुष्य और बाकी जो पशु यहाँ कहा जा रहा है उनमें चार चीज एकदम सेम है. ये आप रियलाइज कर सकते हैं, रियलाइज किया हम देखते हैं. और किसी के घर में पेट है, अगर पेट डॉग या और बिल्ली तो यहाँ मैक्सिमम घरों में रहती है कि नहीं. तो अगर आप उसको देखेंगे आप रियलाइज करेंगे आहार आप भी खाते हैं, वो भी ढूंढ ढूंढ के खाती है कि नहीं. एकदम दे दो आप वो आहार निद्रा, यहाँ मैंने देखा है वो बिल्लियाँ बच्चों के साथ ही बेड में सो जाती है, एकदम छः छः सात सात बिल्लियाँ इधर है एक. आहार निद्रा इतना आराम से सोते हैं वो भी, और देखिए वो तो बहुत आराम से सोते हैं, उल्टा हमको नींद नहीं आती है कि नहीं. हमें नींद नहीं आती बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये बहुत लोगों के साथ, डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन बजे तक नींद नहीं आती लोगों को. काफ़ी अपने भक्तों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, नींद ही नहीं आती. फिर क्या करते हैं, कहाँ गया, एक ही है उनका साथी, फिर चलाते रहेंगे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे. तो आहार निद्रा भयमैथुनम च, भय मतलब जैसे हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं ना, वो लोग भी खुद को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, झगड़ा करते हैं. मैथुनम च, जैसे हमारा घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, वैसे उनके भी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं. हमारा तो एक या दो होंगे, उनके एक साथ में दस दस तेरह तेरह बच्चे होते हैं. तो वो हमसे बेटर कर रहे हैं वो चीज़ें, खाना पीना सब, रहना सोना. वो सात बजे सो जाते हैं, सूर्यास्त वो सो जाते हैं. हम लोग को सोने में बहुत मुश्किल होता है, नींद ही नहीं आती, और इतने तरह का टेंशन और सपना और मन में ये भी क्या बोलते हैं व्याधा अलग अलग रहती है, टेंशन रहता है, और इतना सब कुछ चल रहा है दुनिया में है कि नहीं, इतना स्ट्रेस अलग अलग चीज़ों का हमको रहता है, हमको प्रॉपरली नींद भी नहीं आती. तो वो कह रहे हैं ये तो समान समान है पशु के साथ, जो आप ये चार चीज़ें कर रहे हैं ये तो समान स्तर पर, मतलब सेम चल रहा है, अलग क्या है. तो वो कह रहे हैं अलग जो है वो ये है कि हमें धर्म क्या है वो हम समझ सकते हैं, और वो धर्म आत्मा का जो शाश्वत धर्म है वो हम कर सकते हैं, ये अलग है. और अगर हम ये ना करें तो बताइए फिर हम में और इनमें अंतर क्या है. ऐसा ये श्लोक है, मतलब आप में डिफरेंसेस, हम में क्या सिमिलैरिटी क्या है, सब सिमिलर ही है, खाना पीना सोना रहना ये सिमिलर है, वो भी हमारी तरह ही रहते हैं, जीते हैं सब कुछ करते हैं, उनका परिवार रहता है सब कुछ रहता है. अंतर क्या है, अंतर ये है कि वो धर्म को समझ नहीं सकते, वो आत्मा का धर्म क्या है वो समझ नहीं सकते, हम समझ सकते हैं, और हम समझ कर उस धर्म का पालन कर सकते हैं, उस धर्म को पालन करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो तीसरा स्टेज हम आएंगे. तो यहाँ पे लिखा है धर्म, क्या लिखा है, धर्मो ही तेषाम अधिको, लेकिन ये धर्म कौन सा धर्म है, सवाल हमारा क्या है सेकेंड, आत्मा का धर्म क्या है. वहाँ भी लेकिन धर्म तो क्या जाएगा, वो धर्म क्या है, अधिको विशेष हो, वो विशेष धर्म क्या है, सवाल ये. तो हम उधर आगे चल रहे हैं. फिर भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नेहाभिक्रम नासोस्ति स्वल्प वायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. भगवान कह रहे हैं
कि अगर आप ये जो धर्म है ये थोड़ा भी करोगे, स्वल्पम अपि अस्य धर्म, स्वल्प मतलब थोड़ा सा, त्रायते महतो भयात, आप बहुत बड़े भय से बच जाओगे। लेकिन ये धर्म क्या है ये नहीं कहा इस श्लोक में। भगवान क्या कह रहे हैं, नेहा विक्रम नासोस्ति स्वल्प, ये अगर थोड़ा भी धर्म करोगे इस धर्म का विनाश कभी नहीं होगा, आपके बैंक बैलेंस का विनाश हो जाएगा, शरीर का हो जाएगा, परिवार का हो जाएगा, घर गाड़ी बंग सब हो जाएगा, देश का भी हो सकता है, देखा आपने यूक्रेन, आपके देश का भी विनाश हो सकता है, सब हो सकता है, ये पूरे पृथ्वी का विनाश हो सकता है, लेकिन आपने जो धर्म किया उसका विनाश नहीं। लेकिन वो धर्म कौन सा धर्म है, हमारा सवाल वो चल रहा है, हमारा वो धर्म कौन सा धर्म है। पहला ये था कि हम शरीर नहीं है आत्मा, ये हम पे एनालिसिस करते रहना है, करते रहना है एनालिसिस कि हम शरीर नहीं आत्मा। दूसरा स्टेज क्या आया, ये आत्मा का धर्म क्या है, यहाँ सब श्लोक में धर्म तो कह रहे हैं लेकिन वो धर्म क्या है इस पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो अब देखिए, तो श्रीमद् भागवतम में आते हैं हम, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है अब जिसमें बताया जा रहा है कि ये धर्म के बारे में आपको कौन बताएगा, है कि नहीं, ये धर्म कौन क्या है इसके बारे में आपको कौन बताएगा। तो श्रीमद् भागवतम में सिक्स्थ कैंटो यानी छठवा जो स्कंद है उसमें थर्ड चैप्टर का 19 श्लोक है ये, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम नवई विदुर ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या आसुरा मनुष्य कुतनु विद्याधरा चारणद्या। मतलब ये श्लोक ये कहना चाहता है कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, अगर आपको ये समझना है कि ये धर्म कौन सा धर्म है तो ये आपको सिर्फ केवल और केवल सिर्फ कौन बता सकते हैं, भगवान, श्री भगवान बता सकते हैं, भगवत प्रणीतम, और कोई नहीं बता सकता आपको, ये श्लोक ये कहना चाहता है। मतलब आप किसी, बहुत सारे बाबा है ना इंडिया में, बहुत सारे अलग अलग बाबा हैं, अलग अलग जो लोग अपने आप को स्पिरिचुअल मास्टर कंसिडर करते हैं, अपने आप को ऋषि मुनि या अपने आप को इस तरह समझते कि मैं एक आध्यात्मिक गुरु, वो नहीं बता सकते आपको, ये आपको कौन बता सकता है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म कौन बता सकता है, भगवान बता सकते हैं। इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं, इसलिए भगवद गीता में क्या कहते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही धर्म की बात हो रही है, देखिए अभी तक धर्म पे नहीं आया, धर्म की बात चल रही है, धर्म के बारे में बताएगा कौन। तो धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि धर्म के बारे में साक्षात सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं कि असल आत्मा का धर्म क्या है। शरीर का धर्म बहुत लोग बताएंगे, चार वेद भी बताएंगे, चार वेद जो है वो भी बताएंगे शरीर का धर्म क्या है, कर्मकांड क्या है बताएंगे, लेकिन असल में आत्मा का धर्म क्या है ये भगवान बताएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं अवतार लेता हूं संभवामि युगे युगे, क्योंकि ये कोई बता नहीं सकता, तो इसका स्थापना, इसका संस्थापन करने मुझे आना पड़ता है या मैं आता हूं, एक तो समझिए आना ही पड़ता है, क्योंकि यहां पे जब भी अशांति होती है, जब भी यहां पे अलग अलग तरह की मुश्किलें आती तो भगवान को ही आना पड़ता है। इवन ब्रह्मा जी, शिव जी, बाकी देवी देवता भी उनको हाथ जोड़ के बुलाते हैं कि महाराज अब हमसे नहीं संभल रहा आइए, भगवान को आना ही पड़ता है, या अलग ढंग से भगवान लीला करने के लिए ऐसे सिचुएशन बनाते ताकि उनको आना पड़े, ताकि उनका भक्तों से संबंध बहुत क्या हो जाए, घनिष्ठ हो जाए, वो घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए ये लीला करते हैं अलग अलग तरह की, और कुछ नहीं, सिर्फ वो संबंध स्थापन। तो धर्म संस्थापनार्थाय, वो धर्म है भगवान के साथ हमारा संबंध का जो स्थापना है वो करने के लिए, सिर्फ शत्रुओं को मारने के लिए नहीं, वो तो बहुत आसान है कि नहीं। आप देखिए आजकल लोग बैठे बैठे ही मर जाते हैं, अभी बहुत सारी ऐसे घटनाएं हो रही हैं कोरोना के बाद। मेरे भी दो रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने अभी, एक 22 इयर्स ओल्ड और एक 36, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया,
बहुत ही, तो कहने का मतलब ये है कि शरीर अगर परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारना तो बहुत आसान है, क्यों? जैसे आप गाड़ी को कंट्रोल करते ना अंदर बैठ के, करते कि नहीं करते, कि बाहर से करते? कोई बाहर से गाड़ी चलाता है क्या? कोई नहीं चलाता। कहाँ बैठ के कंट्रोल करते गाड़ी को? अंदर बैठ के। वैसे वो भगवान श्री हरि अंदर बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं इसको, सब कुछ, एवरीथिंग, आपका इंच बाय इंच मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। एक क्षण में हमारा प्राण पखेरू हो सकता है, एक क्षण में। तो दुष्टों को मारने के लिए भगवान नहीं आ रहे, धर्म संस्थापनार्थाय। और परित्राणाय साधुनाम, वो भी बड़ा ईजी है भगवान के लिए, लेकिन सबसे मेन क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? कलियुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसको स्थापना करने के लिए वो खुद आए भगवान। तो कलयुग में जो धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए भगवान जो है श्री हरि, श्रीमती राधा रानी, वो एक होकर गौरांग महाप्रभु का रूप लेकर आकर यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन का। तो भगवान धर्म का संस्थापना करने आते हैं, इसलिए धर्म क्या है ये भगवान बता सकते हैं। या फिर जो भगवान के पार्षद हैं वो बता सकता है, या जो भगवान के असल भक्त हैं वो बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। लेकिन अभी आप देखेंगे कि 99% लोग क्या कर रहे हैं, वो गलत जगह जा रहे हैं समझने के लिए कि धर्म क्या है, और उनको गलत गलत चीज़ें बता रहे हैं कि धर्म ये है, धर्म वो है, ये व्रत कर लो तो ये हो जाएगा, ये दान कर दो ऐसा हो जाएगा, ये धर्म है करो, ये पाठ कर लो, ये पाठ कर लो 108 बार, ये धर्म नहीं है, ये धर्म है ही नहीं। अगर ये धर्म होता तो भगवान बताते ना भगवत गीता में कि पाठ करो, कहीं नहीं बताया पाठ करो, कहीं नहीं बोला व्रत करो, तप करो, कहीं नहीं कहा। हाँ तप कहा, लेकिन वो तप अलग कहा है, वो भक्तों वाला तप कहा है, वो थोड़ा वो अलग टॉपिक हो जाएगा। जो हम तप करते हैं ना, शरीर को तकलीफ देने वाला तप, वो तप नहीं कहा भगवान ने। तो कहने का अर्थ यह है कि धर्म क्या है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। धर्म के बारे में कौन बताएगा हमें? भगवान बताएंगे। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को भगवत गीता में धर्म के बारे में, श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं व्यासदेव, श्रील व्यासदेव जो है, जो भगवान के अवतार हैं, वो बता रहे हैं। तो भगवान, भगवान के अवतार जो है वो हमें बताएंगे धर्म के बारे में। इसलिए हमारे लिए श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में भगवान ने बताया है कि धर्म क्या है, असल धर्म क्या है। तो भगवान गीता में कहते हैं एक जगह, सर्वस्वचाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। देखिए भगवान अपना क्वालिफिकेशन खुद बता रहे हैं ताकि हम माने इस चीज़ को। जैसे मैं कहीं जाऊंगा जॉब इंटरव्यू के लिए, मुझे बताना पड़ेगा ना कि हाँ मैंने NIT वारंगल से बीटेक किया है, 12 साल पढ़ाया है और अब मैं पढ़ा सकता हूँ। भगवान भी बता रहे अपना क्वालिफिकेशन, बोल रहे पहले समझ लो मैं कौन हूँ, थोड़ा समझ लो कौन बोल रहा है वो समझ लो। वो क्या बोल रहे हैं? सर्वस्वचाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं कौन हूँ? सर्वस्वचा अहम, सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, हृदय सन्निविष्टो, मैं बैठा हूँ, मतलब मैं परम भगवान परमेश्वर परमात्मा मैं हूँ। फिर क्या कह रहे हैं? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, जब आपकी मृत्यु होती है आप पुराना सब भूल जाते हैं, पिछले जन्म में मेरी माँ कौन थी, मेरा घर कहाँ था, मैं क्या करता था, सब भूल जाते हैं। अपोहनम, और जब आप को नया शरीर मिलता है फिर भगवान थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने लगते हैं, है कि नहीं, संसार का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और जो हमने अगर भक्ति की है तो वो भी वापस कैसे तो ला के हमें दे देते हैं वापस भक्तों के संग में। तो भगवान क्या कह रहे हैं? देखो पहले मैं कौन हूं समझ लो, मैं कौन हूं? सर्वस्वचाहम हृदि सन्निविष्टो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं,
कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं मैं, कि मेरा लल्ला है, मेरा कान्हा है, हम उस स्तर पे नहीं है। हमारे लिए वो परम परमेश्वर भगवान है जो नियंता है, कंट्रोलर है। क्या है? कंट्रोलर। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मैं कौन हूं? एक एक जो बोलते ना पत्ता भी नहीं हिलता भगवान के बिना, वो है भगवान। एक एक कण, एक एक धूल भी उड़ता है तो भगवान की मर्जी से उड़ता है। क्यों? मया अध्यक्षेन प्रकृति, पूर्ण प्रकृति मेरी अध्यक्षता में है। सूयते स चरा अचरम, जो चर है मतलब जीव, जो अचर है, ये सब कुछ, ये माइक, ये डेस्क, ये पृथ्वी, प्लांट्स, सूयते स चरा चरम हे तु नाने न कौंती है जगत भी परिवर्तते। ये जगत भी, जगत का जो सब परिवर्तन है वो मेरे करता हूं, आई मेक इट पॉसिबल। भगवान कहते हैं कि सर्व योगिनी सुकौंते अहम बीज प्रदपिता। पहले समझो मैं कौन हूं, तुम्हें इस शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर में डालने वाला कौन? मैं हूं। ये पहचानो तब इज्जत करोगे, तब रेस्पेक्ट करोगे। भाई मतलब सेवक चासड़ी कौन काम आएगा? सिर्फ वो बता रहे मैं काम आऊंगा, आई एम द वन। तुम इतना दुनिया में सबको सोच रहे कि ये काम आएगा, वो काम आएगा, पैसा काम आएगा, घर काम आएगा, बॉस काम आएगा, नहीं मैं काम आऊंगा। क्यों? सर्वयोनी सुकौंतेय अहम बीज प्रदपिता, मैं वो पिता हूं, तो मैं ही आपको अलग अलग शरीर देता हूं। तो अगर कहीं आपने मेरी भक्ति कर ली तो फिर भगवान एक श्लोक में कहते हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं अहम एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि वैसे भी वो श्लोक हम लेने वाले, लेकिन अभी क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट आ गया तो भगवान ठीक है वो मिल ले रहा। भगवान कह रहे हैं कि मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं कौन हूं? ये भी मैं हूं। आपका शरीर जो बदल रहा है, वो शरीर बदलने के पीछे कौन है? मैं हूं। अहम भी जब मैं आपको लेके जाता हूं अलग अलग योनि में, मैं आपके साथ भी जाता हूं, सिर्फ आपको नहीं भेजता, मैं आपके साथ भी जाता हूं। मतलब भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ऐसा कोई साथी नहीं है। है क्या कोई साथी ऐसा जो आपके साथ हमेशा रहे? एक है आपका मन वो मन तो चाहिए, क्योंकि उसी मन में भगवान को रखना है, मन के बिना काम नहीं बनेगा। तो भगवान कह रहे हैं मैं लेके जाता हूं। दूसरा, मैं ही हूं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, और इसी चक्कर से निकालने वाला कौन है? मैं हूं। पहले मुझे पहचानो, मेरा बहुत पलरा भारी है। तराजू अगर लेंगे आप, ये संसार, संसार के लोग, संसार के कामनाएं, संसार का आनंद, संसार का सब कुछ, ये एक तराजू में ले लो, इधर भगवान को ले लो, अब आप तोलो। भगवान का पलड़ा बहुत भारी है, बहुत भारी। क्यों? भगवान देखिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो अंत समय अगर हमारा, अगर हमें दूसरा कोई योनि मिल गया, मानिए कुकर सुकर कीट पतंग, मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ, कुकर बोल रहा हूँ, अपना प्रेशर कुकर नहीं हो, लेकिन वह जीवन प्रेशर कुकर जैसे हो जाएगा। कुकर मतलब कुत्ता है ना, डॉग। अगर मानिए वैसा कोई योनि मिल जाता है तो क्या आप, हम देखते हैं वो कैसे भटकते रहते हैं 24 घंटे कुछ खाने के लिए, बचने के लिए, कितना तकलीफ है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अलग अलग योनि मिलने वाली है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सब आई मेक इट पॉसिबल, यहां से निकालना भी है तो आई ओनली मेक इट, आई ओनली, और कोई नहीं, कोई देवी कोई देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई इंद्र वरुण चंद्र, कोई देवी देवता नहीं, सिर्फ भगवान। तो अब सवाल ये है तीसरा, ये तीन हो गया, चौथा, ये भगवान कौन है? तो देखिए भगवान के बारे में भी श्रीमद् भागवतम में कहा गया, और इवन ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हम लोग जो ब्रह्म संहिता जो हम लोग आते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम्।
ये देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी एकदम परफेक्ट एक डेफिनेशन और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण, वो भगवान जो है उनका नाम बता रहे कृष्ण, वो कृष्ण ही परम परमेश्वर भगवान है, वही परम नियंता है। कौन बता रहे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? सेकेंडरी क्रिएटर। मतलब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को लेकर ब्रह्मा जी जो है इस संसार का क्या करते हैं? क्रिएशन करते हैं, इस संसार का क्रिएशन वो करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और बता रहे भगवान के बारे में। पहले तो नाम बताया कि वो कौन है, श्री कृष्ण। फिर क्या बताया उनके बारे में कि वो है कैसे। वो सत्य, सत्य मतलब होता है इटरनल, मतलब नित्य। जैसे हमारा शरीर नित्य नहीं है, अनित्य है, भगवान नित्य है। हमारा शरीर कुछ समय के लिए ऐसे बड़ा होगा, फिर सुंदर होगा, अच्छा होगा, हट्टा कट्टा होगा, धीरे 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 वो शरीर क्या होगा, ढलता जाएगा और बाद में उसका अंत हो जाएगा। लेकिन भगवान कैसे है? नित्य सत्य है, चिद है। चिद मतलब उनको पूर्ण ज्ञान है। भगवान कहते हैं मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब का नॉलेज है, हमें नहीं है। मुझसे आप ये पूछेंगे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो मुझे सोचना पड़ेगा। आज आज का भी पूछेंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या खाया था। हम भूल जाते हैं, हमें जैसे मानिए 10 दिन पहले कोई गिरा स्कूटर से, 10-15 दिन हो गए, चोट गायब हो गया, वो दर्द भूल जाता है। कितने बार हम गिर चुके हैं, चोट लग चुका है, हमें याद है? कुछ याद नहीं, दर्द महसूस नहीं होता, हम भूलते जाते हैं। लेकिन भगवान कुछ नहीं भूलते। हम जो जो कहते हैं, हम जो जो सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम हम क्या सोचते हैं? जो हम सोचते वो किसी को पता नहीं, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। आप लोग ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मन में सोचा एक छोटी सी चीज, कुछ नहीं कहा मैंने, सही है आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान के पास ये फैसिलिटी है। देखिए अगर भगवान वायु में आत्मा डाल सकते हैं, अपान उदान ये जो 5 वायु है इनमें आत्मा को डाल देते हैं, ये 5 तरह की वायु में डाल देते हैं आत्मा, चिदानंद को इस शरीर में डाल देते हैं, तो उनके पास सारा फैसिलिटी है कि आप मन में क्या सोच रहे हो, आप बुद्धि कहाँ लगा रहे हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो भी मन में चिंतन कर रहे हैं वो भगवान जानते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि भगवान कौन है। तो भगवान है श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में भी ये श्लोक है, कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम इसका अध्ययन करना चाहिए, इसके जो श्लोक है उनका चिंतन करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। हर श्लोक इम्पॉर्टेंट है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, इसका हमें चिंतन करते रहना चाहिए। तो फिर हम धीरे धीरे हमारा स्तर बढ़ेगा। सिर्फ पठन, सिर्फ पढ़ने से नहीं बढ़ेगा, पढ़कर उसका चिंतन करके और अपने लाइफ में कनेक्ट करके, तब हमारा वो जो है अंदर वो हमारे बैठ जाएगा, वो हमें काम आएगा अंत समय। जैसे हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, तो देखिए बच्चे पढ़ते हैं 2 साल। हमारे यहाँ बच्चे बहुत पढ़ते हैं, ये बहुत सारे बच्चे आ गए चैतन्य अकेडमी, उनको पढ़ा है, पता है उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। 6-7 घंटे क्लास, 8-9 घंटे सेल्फ स्टडी, मतलब 13-14 घंटा बच्चे पढ़ते हैं, 2 साल तक पढ़ते हैं, 2 साल तक। पर एग्ज़ाम सिर्फ 3 घंटे का होता है। मैंने एक बार कैलकुलेशन किया था, आप भी कर सकते हैं, अगर 14 × 700 करिए आप तो 7,000, ऑलमोस्ट 10,000 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 घंटे। ये 11th-12th में हमारे यहाँ तब वो रिजल्ट निकलता है। तो एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है इनका? 3 घंटे का, जेईई मेंस और उनका नीट, 3 घंटे का एग्ज़ाम। अब ये 3 घंटे में क्या आपको वो सब कुछ काम आएगा जो आपने पढ़ा था? वो आपको याद भी नहीं होगा। जो आपने अच्छे से समझ के पढ़ा था, जिसको बहुत प्रैक्टिस किया था, वही आप 3 घंटे में लगा पाओगे, ये सुनो बताइए। ये सब लोग समझ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग समझ सकते हैं, सबने कभी ना कभी पढ़ाई अपने जीवन में किया, एग्जाम दिया है,
सबने दिया है, कोई ऐसा जिसने कोई एग्जाम नहीं दिया। आपने जिस चीज को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, या जिस पे अच्छे से प्रैक्टिस किया है, वही आपको एग्जाम में याद आता है, वही काम आता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी वही है, जिस तत्वों पे हम गहन चिंतन करेंगे, मन में चिंतन, मनन जिसको कहते हैं, एक तो मानना, मानने के मानना कैसे आप उस स्तर पे आएंगे, मनन करने के बाद, जानना मतलब सुनना, श्रवणम, लेकिन श्रवण के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्मरणम, उसको बार बार उसका स्मरण करना, उस पर विचार करना, तो मनन करना। मनन करते जाएंगे तो हम मानते जाएंगे, और मानते जाएंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ये मानना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया देंगे, क्योंकि हम ये श्रृंखला भूल जाए, पहला तो ये था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दूसरा ये था कि आत्मा का धर्म क्या है, ये हमें समझना है। तीसरा पॉइंट ये था, ये धर्म के बारे में हमें कौन बताएगा, भगवान बताएंगे, और कोई नहीं बता सकता। आप इसके बाद कहीं और गए, या आप सोच रहे हैं मैं कोई और बाबा, कोई और ऋषि, कोई और मुनि, कोई और ये मैं ढूंढ लूं जो मुझे बताएगा, ऐसा नहीं, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ भगवान, भगवान के भक्त जो भगवान का ज्ञान दे रहे हैं वो बता सकते हैं, जो परंपरा में ज्ञान दे रहे हैं। जैसे ये इस्कॉन संस्था है, इसमें एक परंपरा है, तो परंपरा में वो ज्ञान दिया जा रहा है। कौन सा ज्ञान, भगवान ने जो ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को, इस तरह से जो ज्ञान है वो परंपरा में आ रहा है। और ये परंपरा टूटती भी है, लेकिन भगवान फिर खुद आते हैं बीच में वापस परंपरा को जोड़ने के लिए। इसलिए ये जो है ये असल परंपरा है, ये सत्य परंपरा है, जिसको भगवान खुद आके बार बार धर्म संस्था पन्नार्था या संभवामी युगे युगे, क्योंकि हर युग में ये टूटेगा, इसलिए मैं खुद आकर इसको जोड़ूंगा और धर्म की संस्थापना करूंगा। तो फिर भगवान सारा ज्ञान देते हैं। हर बार महाभारत होता है, ये नहीं कि एक बार महाभारत हुआ है, एक मन्वंतर में 14 युग होते हैं, 14 साइकिल युग के, और हर कलयुग में महाभारत होता है। हर बार भगवान आदि भगवत गीता बताते हैं हर बार, पर वो युग इतना बड़ा है कि हमें, हम सोचते हैं कि हाँ भगवान आए थे एक बार नहीं आते, भगवान अनंत बार आते हैं, हम भी अनंत बार आते हैं, हम भी अनंत बार मनुष्य देव पा चुके, एक बार नहीं अनंत बार, अनंत बार हमने ये ज्ञान भी सुना है, लेकिन मनन नहीं किया, सुना, श्रवण किया, जाना, मनन नहीं किया। मनन का मतलब उस पर चिंतन, चिंतन, बैठ रहे एक जगह चिंतन कर रहे, हाँ क्या कहा इस श्लोक में भगवान ने, अच्छा जातस्य ही ध्रुव, मतलब ये विचार किया कि हाँ ये शरीर जो है क्षणिक है, शरीर क्या है क्षणिक है, छोटा सा कुछ हुआ खत्म, छोटा सा हार्ट का अगर एक वेल्व थोड़ा ऊपर नीचे, अगर उसमें थोड़ा कुछ हुआ तो खत्म, वही के वही, बताइए इतना आसान है ये शरीर पाना, मनुष्य देह पाना बहुत मुश्किल है, अनंत मन, भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और एक श्लोक में कहते हैं मनुष्येषु सहस्त्रेषु कश्चित, मतलब ये जो है मनुष्य देह पाना और उसमें भक्ति करना ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये शरीर छूटना बहुत आसान है। उस पर भी हम, तो हमारा थर्ड पॉइंट ये था कि भगवान बताएंगे। फोर्थ पॉइंट ये था भगवान कौन है, पहले समझिए भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। हाँ ऑफ कोर्स आप बोलेंगे नरसिंह देव भगवान है, हाँ है, क्योंकि वो उनके स्वाम से हैं या वो उनके डायरेक्ट एक्सपेंशन है। भगवान का एक अलग रूप है, अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है राइट, 14th को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है, इसलिए अलग अलग रूप ले लेते हैं। भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज ने से पूछा, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा भगवान, वेयर इज योर, जो जिसके बाद तुम इतना बोल रहे हो भगवान कहाँ है, यहाँ है क्या मेरे पैलेस में, ऐसे पूछा। तो हिरण्यकश्यप को वरदान था, क्या वरदान था, वो ना मनुष्य से मरेगा, ना किसी राक्षस से, ना मानव, ना दानव, ना जल, ना थल, ना आकाश में, ना पृथ्वी, बहुत सारा वरदान था उसके पास। तो भगवान इतने सुंदर है, देखिए श्याम सुंदर है, लेकिन अपने भक्त के कहने पे या अपने भक्त के इच्छा पे उन्होंने एक विकराल रूप ले लिया। कैसा रूप ले लिया,
विकराल भयावह रूप ले लिया नरसिंह देव का, है कि नहीं? हाफ मैन हाफ लॉयर, यस, आधा शरीर सिंह का और एकदम भयावह। कौन है वो? श्याम सुंदर है, देखिए इधर, इतने सुंदर भगवान है, अनंत सौंदर्य, हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, और कहीं वर्णन किया गया तो वो भी झूठा है, इनसफिशियंट है। क्या है वो? सफिशियंट नहीं है। भगवान अनंत सौंदर्य वाले, अपने भक्त के कहने पे, उसकी इच्छा को, उसके वाक्य को सत्य प्रमाण करने के लिए भगवान ने ऐसा विकराल रूप लेके भगवान खम्ब से प्रकट हो गए, ऐसे भगवान है। तो नरसिंहदेव भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक अवतार कहिए, लेकिन वो ऑफकोर्स ये जो है प्रमुख अवतार है, इनको हम अवतार नहीं कहते डायरेक्टली, लेकिन प्रमुख अवतार कह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही है, तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण के जो डायरेक्ट एक्सपेंशंस हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही एक्सपेंशंस हैं, जैसे वराहदेव, नरसिंहदेव, श्री भगवान श्री राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये हम अंतर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही तत्व है। ये हमेशा याद रखिए, कभी भी ये हम नहीं सोचना कि भगवान श्री राम थोड़ा कम ज़्यादा है या श्री कृष्ण, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये भगवान ही है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम भगवान श्री कृष्ण में ही अपनी चित्त को लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंद के, वो हर पूर्ण आनंद के वो क्या है? स्रोत है। इसलिए पर वो भगवान एक ही है, भगवान अपने आप को अलग अमाउंट, अलग एक लेवल तक प्रकट कर रहे हैं, बस इतना ही अलग है। तो कृष्ण अवतार में भगवान जो है माधुर्य रस भी दे देते हैं, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। वही श्री कृष्ण राम बन के आते हैं तो माधुर्य जो भाव है वो छिपा लेता है, तो ये अलग हम चलेगा। लेकिन कहने वाला ये भगवान वो है श्री कृष्ण या उनके जो ये डायरेक्ट एक्सपेंशन है। अब इसके बाद हम आते हैं, अब जो है हम लोग फाइनल एक जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, धर्म क्या है। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसका हम एक लाइन लेंगे, बहुत ही सुंदर और एकदम कंक्लूजन है, वो एक लाइन कंक्लूजन है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही सुंदर। क्या है? विषयान् ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतम चित्तम मयि एव प्रविलीयते। देखिए दो लाइन में भगवान ने, या श्रीमद् भागवतम में जो हम इतना डिस्कस कर रहे हैं वो दो लाइन में ही समझाया जा रहा है, सिर्फ दो लाइन में। क्या है? विषयान् ध्यायत चित्तम, चित्त, चित्त के बारे में, चित्त मतलब मन, ये ध्यान रखिए, चित्त क्या है? मन। ये नहीं हमारा, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि ये घर कितना अच्छा है, लेकिन चित्त क्या है? मुझे इसमें श्याम सुंदर दिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? आप विषय से, आप रसना से ध्यान करिए संसार का, मन से नहीं करिए। चलिए हम वो थोड़ा और समझते हैं। ये है विषयान् ध्यायतः चित्तम, अगर हम इस संसार के विषयों का ध्यान करेंगे चित्त से, मन से ध्यान करेंगे, जैसे हम सोच रहे हैं वो उस आइसक्रीम सेंटर पे वो सीताफल वाला फ्लेवर, ओह मुझे कल जाकर उसको खाना है, चिंतन किसका कर रहे हैं आप? आइसक्रीम का, और जप कर रहे हैं हरे कृष्ण। चित्त किधर है? आइसक्रीम में, और आप इधर सिर्फ स्क्रीम कर रहे हैं आइसक्रीम हरी नाम, ओनली सिर्फ स्क्रीम कर रहे हैं हम, उसमें हमारा चित्त नहीं है, चित्त आइसक्रीम में, इसलिए इधर हम सिर्फ आइसक्रीम, स्क्रीम पता है ना आपको, चिल्लाना। तो इसलिए यहां कह रहे हैं विषय विषयान् ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते, अगर वो चित्त वो मन विषयों का ध्यान कर रहा है, विषयों का ध्यान कर रहा है वो विषय में ही लिप्त हो जाएगा, विषय में क्या हो जाएगा? लिप्त हो जाएगा, और फिर विषय का ही परिणाम मिलेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी शयनम, फिर वही मिलेगा। अगर हमारा चित्त जो है, हमारा मन कंटिन्यूअसली संसार के विषयों का ध्यान कर रहा है, कंटिन्यूअस हम उसमें लगे संसार का ध्यान, सुबह से लेकर रात तक, नींद में सपने में उठते बैठते खाते पीते टेंशन, भक्तों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए,
ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, मतलब आप संसार का ध्यान कर रहे हैं। अगर ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत हर चीज टेंशन, मतलब आप संसार का बहुत ध्यान कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बैठे बैठे सोचूं, अरे मेरी छोटी सी बेटी चल रही होगी, चोट ना लग जाए उसको, अरे तो मेरा ध्यान उधर चला गया, मन हुआ है, चित्त हुआ है। तो फिर मुझे ऐसा अगर चित्त रहेगा तो मुझे वही संसार वापस मिलेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर संसार, फिर जीवन, फिर मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वही एक नई माँ मिलेगी, माँ। और वो माँ के गर्भ के पास जो जठर अग्नि है, क्या है जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, जहां पे खाना पचता है, मतलब एसिडिक, बहुत एसिड है, वहां पे आपको उस वूम्ब में आपको जगह मिलेगी, पुनरपि जननी जठरे शयनम, वहां जाके हम वापस क्या करेंगे, आराम करेंगे 9 महीने के लिए, अगर मानव शरीर मिलना है, दूसरा कुछ मिलना है तो वहां जो ड्यूरेशन रहता है उतना रहना पड़ेगा, फिर बाहर आएंगे। क्यों? सिर्फ चित्त, किसकी वजह से? चित्त, मन की वजह से। तो विषयान ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते, और हम बार बार विषयों का ध्यान करते रहेंगे तो क्या होगा, हम विषय में ही लिप्त हो जाएंगे और हमें यह संसार ही बार बार मिलेगा, ये जो मृत्यु संसार है बार बार यही हमें मिलता रहेगा। अब दूसरा लाइन क्या है, मतलब ये संसार का दुख मिलता रहेगा, दूसरे लाइन में कह दिया भगवान ने क्या, लेकिन माम अनुस्मरतम चित्तम, लेकिन अगर उसी चित्त को, उसी मन को आपने मेरे स्मरण में लगा दिया, मेरे किस में लगा दिया, स्मरण में, है कि नहीं, जैसे जैसे हम लोग करते हैं इस्कॉन में, हम लोग भगवान को कुछ भी बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, है कि नहीं, और भगवान का स्मरण करते हैं कि भगवान ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप इसको ग्रहण करिए, इसको प्रसाद बनाइए, स्मरण हो गया। अब इसमें अगर आप बहुत भाव भक्ति से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतना भाव भक्ति लेकिन फिर भी ये करिए, ये करना बहुत जरूरी है। आपने स्मरण तो किया, वो धीरे धीरे उसको भाव तक भगवान ले जाएंगे। हम जब भक्ति में थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, उस भक्ति को भाव भक्ति तक हम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो भाव भक्ति भगवान प्रदान करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, साधना भक्ति, साधना भक्ति में जब हम निपुण हो जाएंगे वो भाव भक्ति मिलेगा, भाव भक्ति हमें मिलेगा। इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी हमें कि हमारा भाव नहीं बनता, अश्रुधारा नहीं बहती, उसकी चिंता हमें नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि क्या मैंने हर समय भगवान का स्मरण करने का प्रयत्न किया है, क्या क्या मैं वो प्रयत्न कर रहा हूं, इस पे मुझे ध्यान देना है। वो प्रयत्न देख कर भगवान हमें भक्ति देंगे, असली वाली ये भक्ति हम कर रहे हैं, साधना भक्ति, वो भगवान देंगे। भक्ति मतलब भगवान का अंतर, अंतरंगा शक्ति है भक्ति, वो हम कैसे छीन लेंगे, वो हम मांग सकते हैं, हम भगवान से मांगते हैं भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हम चैंटिंग करते हैं, हम भगवान से उनकी वो अंतरंगा शक्ति मांग रहे हैं, वो परम आनंद, आनंद भगवान से मांग रहे हैं। भक्ति आनंद है, आह्लादनी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी है, वो हम छीन कैसे सकते हैं, वो हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करके मांग सकते हैं। तो वही हम भक्ति में करते हैं, वही हम हरिनाम जो हम जप ले करते हैं, हम वहाँ वही कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपका जो वो दिव्य आनंद है, आपके पास वाला आनंद, आपका दिव्य वस्तु जो सिर्फ आपके पास है, वो दे दीजिए, वो सेवा दे दीजिए आपकी, जिससे मैं परम आनंद, परम आनंद प्राप्त, आत्मा का जो आनंद है वो देखिए। वेदांत सूत्र में एक, वेदांत सूत्र हम सबने सुना है, उसमें एक है छोटा सा तीन लाइन का, तीन वर्ड का, आनंदमयोभ्यास। पहला एक जो है वो है अहम, ये अपना हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो है कि हमें ब्रह्म को जानना है। पहला ये क्या है प्रोड्यूस लो, नहीं नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये देखिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये इज अ टाइम नाउ फॉर अस टू अंडरस्टैंड हु इज गॉड, सुप्रीम ब्रह्मन। और आगे है आनंदमयोभ्यासात,
हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है, आनंदमयोभ्यासत। हर प्राणी आनंद के प्राप्ति के लिए काम कर रहा है, सब लोग। जैसे कोई यहाँ लेक्चर सुनने आया है, उसको एक आनंद मिल रहा है तो अच्छा है, तो वो क्या कहेगा, प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, आनंद थोड़ा कम मिला, हाँ अच्छा हुआ। हम अपने आनंद के खोज में है, हम किसके खोज में, अपने आनंद, आनंदमयो। हर जीव हर प्राणी आनंद के खोज में, पर वो सुप्रीम आनंद, वो भगवान ही है, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, वो पूरा स्वरूप भगवान का, मूर्तिमान स्वरूप, वो आनंद का स्वरूप है, वो सिर्फ भगवान के पास है, वो आह्लादनी शक्ति सिर्फ भगवान के पास है, वो दिव्य भक्ति सिर्फ भगवान के पास है। हम कर रहे हैं साधना भक्ति, हम क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति। वो साधना भक्ति हम अच्छे से करेंगे, वो भगवान देख रहे हैं, अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे, चित्त लगा के करेंगे, सिर्फ वाणी से नहीं, चित्त लगाकर, मन लगाकर, उस पर ध्यान रखकर, तो भगवान हमें क्या देंगे, दिव्य भक्ति देंगे। तो वही भगवान कह रहे माम अनुस्मरतम चित्तम, अगर वो चित्त बार बार मेरे स्मरण में है तो क्या होगा, मई एव प्रवीलियते, तो वो जो है वो पूर्ण तरह मुझमें आसक्त हो जाएगा। देखिए दो लाइन में ये कंक्लूजन है, तो आप सब मेरे साथ कह सकते हैं, विषयान ध्यायत चित्तम, विषयेषु विसज्जते, माम अनुस्मरतम चित्तम, मयि एव प्रवीलियते। तो बेसिक आइडिया क्या आया, बेसिक आइडिया देखिए, अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। तो बेसिक आइडिया ये आया श्लोक से कि देखो दो ही है, दो ही एरिया है, दो ही है, एक है विषयेषु संसार पहले लाइन में, एक है माम मैं, दो ही वस्तु है, दो ही एरिया है, ये भगवान कहना चाहते हैं। एक तो ये संसार, पूरा संसार जो भी हम देख रहे हैं, टीवी मोबाइल, लोग, आसपास के लोग, हमारे मन का झगड़ा, दूसरों से झगड़ा, ये लोग वो लोग, इसकी बातें उसकी बातें, सारा ये सब संसार है, सारा ये क्या है, संसार है। इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, नहीं तो हम बोलेंगे लेकिन ये मैं सोच रहा था कि ये जो है इस तरह से ये काम नहीं हुआ, ये होता तो अच्छा होता, ऐसा बहुत कुछ हम जस्टिफाई करते कि नहीं मैं भक्ति के बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे हमारा काम क्रोध लोभ सब रहता है, हमारे मन का अटैचमेंट रहता है, किस चीज़ का, अलग अलग चीज़ का, या तो देखिए इंद्रियों का जो अटैचमेंट रहेगा, अगर मैंने ये सेवा की तो मुझे ये प्रसाद मिलेगा। मैं जब पहली बार आया था तो मुझे यही था दिमाग में, जब मैं 2006 में मैंने वॉइस ज्वाइन किया था तो कीर्तन बहुत अच्छा होता था और प्रसाद बहुत अच्छा मिलता था, मैं बोला हॉस्टल में इतना गंदा मिलता है, चलो मंदिर, चलो बेस वॉइस, क्या मिलेगा, अच्छा खा रहा, देख रहे आप। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उधा, तुम कोई भी इच्छा लेके आओ, सिर्फ आ जाओ, अकामो कोई इच्छा नहीं है, बहुत अच्छा आओ, सर्व काम सब इच्छा है मन में, और मेरे पास आना चाहते हो, आ जाओ। भगवान कितने दयालु, ये चीज देखिए आप बोल रहे मोक्ष का, मोक्ष को पिशाचिनी कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पिशाचिनी, राक्षसी कहते हैं ना, मोक्ष इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष हो गए तो भगवान की सेवा, भगवान का आनंद, भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान का सानिध्य नहीं मिलेगा, तो मोक्ष पिशाचिनी। भगवान कहते वो भी है, मोक्ष का मैं उधार दी, कोई बात नहीं, वो भी है, तुम आओ भक्ति करो। तो भगवान कहते हैं क्या, तीव्रे न भक्ति योगे ना, पर भक्ति योग जब करोगे तीव्रता से, तीव्रे न भक्ति योगे ना यजेत पुरुष परम, तुम कुछ भी लेकर आओ, पर अगर तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, तुम्हें फाइनली मैं मिलूंगा ही मिलूंगा, अब यमराज नहीं मिलेंगे, तालिया अब यमराज नहीं मिलने वाले हम सबको, ये समझ लीजिए, हो गया एंड, वो सब खत्म हो गया, अब बस भगवान हमें बार बार, अगर हमारी भक्ति पूर्ण हो गई, चित्त माम अनुस्मरतम चित्तम, वो चित्त हमारा भगवान के स्मरण में है 24 तास,
ऐसा प्रैक्टिस हो गया तो मरते वक्त हमें भगवान मिल जाएंगे, नहीं हुआ, भगवान ने बोला डरो मत, नेहा विक्रम नाशोस्ति, ये जो तो हमने भक्ति की है इसका नाश मैं होने नहीं दूंगा, नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम, ये तो तुमने थोड़ा भी किया है, तुम्हें महतो भयात, वो नरक, वो यमराज यमदूत उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना, क्योंकि वो करोड़ों यमराज भगवान ने अगर सिर्फ सोच भी लिया मन में वहीं के वहीं भस्म हो जाएंगे, और आप भगवान के भक्त बन रहे हैं, अब किधर यमराज है ना, उसको आप यमा यमा कर सकते हैं, बाय बाय, तो वो नहीं आएंगे अब। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि भक्ति अगर पूर्ण नहीं होती है तो हमें फिर से एक जन्म मिलेगा, दो जन्म मिलेगा, सहस्त्र जन्म मिलेंगे, अलग अलग, ये एक यूनिवर्स है, ऐसे भगवान के अनंत यूनिवर्स है, भगवान अपने भक्तों को प्लेसमेंट देते रहेंगे, प्लेस करते रहेंगे, हाँ और भक्ति करो और भक्ति करो और भक्ति करते रहो, और जब पूर्ण हो जाएगा एकदम फुल सरेंडर्ड, माम एकम मी ओनली शरणम रजा, एक सिर्फ मुझे ही तुम सरेंडर कर दोगे, सिर्फ मुझे, संसार को नहीं, परिवार को नहीं, और धर्मों को नहीं, या कर्मकांड को नहीं, देवी देवता को सब हटा के चारों दिशाओं में यो माम पश्यति सर्वत्र, आप गणेश जी के मंदिर के तो भी आप श्री कृष्ण को देख रहे हैं, श्री कृष्ण बैठे हुआ गणेश जी के साथ बैठे, मेरे श्री कृष्ण हर जगह बैठे, यो माम पश्यति सर्व, ये गीता का श्लोक मैं आपको बोल रहा हूं, भगवत गीता का, यो माम पश्यति सर्वत्र, मतलब वो कुछ नहीं उसके लिए, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ये लेवल भगवान बोल रहे, इस जन्म में नहीं होना कोई बात नहीं है, तुम आओगे, तुम शुद्ध भक्त बनोगे, बनोगे एक दिन बनोगे, मैं तुम्हें उतने जन्म दूंगा, मेरे पास इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत संत है, मैं बार बार तुम्हें संत से मिलाऊंगा, तुम्हें बार बार मानव देह दूंगा, और तुम्हें मैं परफेक्ट बनाऊंगा, शिवप्रम भवति धर्मात्मा, भगवत गीता का एक और श्लोक है, भगवान आपसे क्या क्या वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं समझिए, बहुत बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं कि शिवप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि नमः भक्त प्रश्यति, डायलॉग देखिए कितना उसमें वेट है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त, ये देखिए कितने प्यार से बोल रहे हैं, मेरा सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन भक्तों को भगवान कहते ये मेरा पर्सनल, तो क्या कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कभी अगर मेरा भक्त कुछ गलत भी करेगा कोई बात नहीं है, मैं उसको सुधारूंगा, मैं, इट्स माई ड्यूटी, यमराज नहीं मैं, शिवप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा हो जाएगा, धर्म, हम धर्म की बात कर रहे थे ना, धर्मात्मा हो जाएगा, धर्म पे वापस आ जाएगा, शाश्वत शांतिम निगच्छति, इटर्नल पीस मिलेगा उसको, कौन्तेय प्रतिजानिहि, कौन्तेय, हे अर्जुन ये दुनिया वाली मेरा भरोसा नहीं करते, ये दुनिया वाले जो है वो मेरा भरोसा नहीं करते, तुम कहो, प्रतिजानिहि, यू डिक्लेयर, ऐसा कह रहे हैं, तुम बताओ पूरे संसार को, पूरे दुनिया को, तुम कहो, ना मे भक्त प्रणश्यति, भगवान श्री कृष्ण का भक्त का कभी भी नाश नहीं, तो नाश मतलब शरीर का नाश तो होगा ही, देखो क्योंकि जाते से ही धुवो मृत्यु, लेकिन भक्ति का नाश नहीं होगा, वो जो हम थोड़ा भी धर्म भक्ति के पथ पे चल रहे हैं वो भी नाश नहीं होगा, इसलिए भक्ति योग करना ही ये सदुपयोग है, क्योंकि विनाश नहीं होगा, आज का जो टॉपिक था हमारा यही था ना, कि मनुष्य जीवन में का सदुपयोग क्या है, काया है सदुपयोग, मनुष्य जीवन का सदुपयोग का है, मैं क्लास में ऐसे जब कुछ लाइन मराठी बोलते ना, सारे बच्चे आंसर देना शुरू कर देते हैं हिंदी के बीच में, तब तो आए भक्त भक्ति योग, आज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब सवाल ये भक्ति योग क्या है, अब हम यहां आ जाते, ये हमारा फाइनल, देखिए 9 बज गया, 9:15 तक का टाइम दिया गया मुझे, 15 मिनट में हम ये इस पे, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो अब हम लोग जो है थोड़ा समय अब इस पे विचार करेंगे कि हाँ ठीक है, मान ली हमने आपकी बात कि सही है, अब ये करना क्या है, एक्चुअली में क्या करना है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी तोयम ये करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयत्तात्मनः। ये श्लोक पे हम थोड़ा विचार करते हैं। अब ये हमारा भक्ति, हाँ भक्ति करनी है, भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे साथ है और वो हमें सही से, हमारा जो ये गमन है, ये जो हमारा जर्नी है आत्मा का, वो अच्छा रहेगा, हमें और अच्छा वैष्णव समुदाय में हमें जन्म मिलेगा, भक्तों के समूह में हमें जन्म मिलेगा अगर हम क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। पर ये भक्ति करनी कैसे है? तो देखिए भक्ति करना बहुत आसान है, कैसे? क्योंकि आप ऑलरेडी हम किसी ना किसी की भक्ति कर रहे हैं, हम प्रेम कर रहे हैं, हम किसी ना किसी से प्रेम कर रहे हैं, उसी प्रेम को उधर डाइवर्ट करना है, उसी प्रेम को उधर क्या करना है, डाइवर्ट। ऐसा नहीं है कि प्रेम करना सिखा दो, सबको आता है प्रेम करना, है कि नहीं? अरे जानवरों को भी आता है। आप देखिए हमारे इधर एक वो है मंगल, एक कुत्ता है, आप देखेंगे इधर सफेद रंग का, वो सबके साथ घूमता है, सबके ऊपर कूदता है, चाटता है, उसको भी आता है प्रेम करना। प्रेम करना देखिए सबको आता है, हर जीव जंतु को आता है प्रेम करना, एक चिड़िया भी जानती है, चिड़िया जाती है खाना लेके आती है, अपने बच्चे को मुंह में डालती है खाना। तो प्रेम करना नहीं सीखना है, उस प्रेम को डाइवर्ट करना है हमको भगवान की तरफ। तो भगवान बोलते कैसे करोगे, बोलते चलो ऐसे स्टार्ट करो, आपको जो मिल जाए ना, आप पत्ता गोभी खा रहे हो, पत्ता गोभी पत्रम पत्ता गोभी खा रहे हो, या कुछ भी खा रहे हो, आप कुछ भी आप खा रहे हो, पत्रम पुष्पम, एक्चुअली पत्रम मतलब पत्ता, तुलसी पत्ता या कोई पत्ता, मैं तो मजाक कर रहा हूँ आपसे, पत्रम पुष्पम पुष्प फलम तोयम। आप किसी को फूल देते हो, किसी को मत दो, भगवान बोलते हो मुझे दो, किसी को आप जाके फ्लावर मत दो, नहीं तो आप फूल बन जाओगे। क्या बन जाओगे? फूल। वो आपको बाद में बेवकूफ बना ही देगा या बनाई देगी, है कि नहीं? आनंद मिलने वाला नहीं है, कारण तिथे आनंद नवे, पर आप वहां आनंद के खोज में जाओगे और बोलोगे आई लव यू, वेरी गुड। लेकिन कुछ समय बाद आप बोलोगे लगता है आई हैव टू ट्राई समथिंग एल्स, यहां बिकॉज आप हैप्पी नहीं हो सकते इस संसार में। क्यों? क्योंकि आप अनंत आनंद के खोज में है, वो इधर किधर है? इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, वो अनंत आनंद का स्रोत सिर्फ भगवान है। और जब तक वो अनंत आनंद मिलेगा नहीं, अंदर से आत्मा प्रसन्न होगी नहीं, तो तब तक डिससेटिस्फैक्शन रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम, फल इतना फल खाते हैं हम लोग, तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। देखिए वो अपने हाथी गजराज गजेंद्र मोक्ष हम लोग सुनते हैं, उन्होंने जब उनका गजेंद्र एक हाथी के रूप में और उनके साथ एक ग्रह यानी मगरमच्छ, ये जब लड़ाई हो रहा था उनके बीच में, बहुत देर तक संघर्ष चला और बहुत तकलीफ में थे गजेंद्र, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमल का पुष्प तोड़ के ऐसे, बस समझ रहे आप, कोई आरती का प्लेट नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई आरती का प्लेट नहीं है, घंटी नहीं है, मन है, माम अनुस्मरतम चित्तम है, चित्त क्या चाहिए, चित्त चाहिए, वो दीपक का अग्नि वो चित्तम है, वो आरती प्लेट वो चित्त है, वो चित्त चाहिए, मन चाहिए, उसी को आरती प्लेट बनाना है, उसी दीपक में चित्त को डालना है, अग्नि घी नहीं, घी डालते हम बहुत, लेकिन चित्त कहाँ रहता है, कहीं और, घी बहुत महंगा हो गया है, चित्त कहीं और रहता है। क्या किया उन्होंने, फूल निकाला और अश्रुओं के साथ भगवान का स्मरण किया, और भगवान कैसे आए, भगवान कैसे आए, गरुड़ पे बैठ के आए, गरुड़ पे बैठ के नहीं आए, क्यों? उनको लगा ये कहीं लेट ना पहुंचा दे, उससे भी तेज आए, है कि नहीं? मतलब भगवान जो है वो अपने भक्तों के लिए वो किसी भी एक लिमिट तक जा, किसी भी लिमिट तक जा सकता है। तो फिर ये बाकी यमराज और ये तो कोई सवाल ही नहीं है आपका, तो बहुत ये हमने बहुत ही धर्म का काम जो है पथ पे हम निकल पड़े, वो है भक्ति योग। वो क्या है?
भक्ति योग। अब भक्ति योग क्या है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यही हमारा 10 मिनट और बचे। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे प्यार से देगा, कैसे देगा, प्यार से देगा, प्रेम के साथ देगा, अंदर आत्मा से एकदम कि हाँ भगवान ये आपके लिए है, आप इसको ग्रहण करिए, और वो समझेगा ये भी कि हाँ ये भगवान का ही दिया हुआ वस्तु है, मैं वही आपको दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्या दे सकता हूँ, अपने आप को असमर्थ भी समझना, असमर्थ कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ लेकिन फिर भी ये आपके लिए, ये नहीं कि हाँ मैं आपके लिए लाया हूँ लीजिए, ये भाव नहीं, ये भाव तो ये है कि सब भगवान का है, तो हम जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो भगवान का ही है, लेकिन वो अर्पण करना वो एक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में हम गए नहीं, वहाँ पे हम प्रेम से वो चीज़ ऑफर नहीं कर रहे है कि नहीं। जैसे आप बाजार में आपने कभी आइसक्रीम खाया, अगर आपने मन से ऑफर किया उसको तो भी उस वक्त, क्योंकि आप प्लेट तो कहाँ से लाएंगे, अब सोचेंगे नहीं नहीं प्लेट की बिना ऑफर नहीं कर सकता, नहीं करो वहाँ भी कर दो, मन से कर दो, हाँ भगवान आइसक्रीम खा रहे हैं, ये है माँ मनुस्मरतम चित्तम मई एव प्रवीलियते। सिर्फ ये मत सोचिए कि जब आप जब कर रहे तब कर रहे। एक आज मैंने ये पढ़ा कमेंट्री, उसमें प्रभुपाद कहते हैं, ये देखिए ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला, क्योंकि जो मैंने बोला आपको उसको एक प्रमाण देने के लिए मैं चैतन्य चरितामृत से प्रभुपाद जो बोल रहे हैं वो बता रहा हूँ आपको, ताकि वो प्रमाण हो जाए समझने के लिए। तो ये आपका मध्य लीला का 22वें चैप्टर का 113वां श्लोक, ठीक है, इसमें प्रभुपाद बताते हैं स्मरतम, ये हमने सुना हुआ है, स्मरतम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत सर्वे विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकर। ये श्लोक, ये समझिए आज का कंक्लूजन है ये, ठीक है। तो क्या है ये श्लोक कह रहे हैं कि दो ही है प्रिंसिपल पूरे भक्ति का, क्या प्रिंसिपल है, ओनली टू प्रिंसिपल, पहला स्मरतम सततम विष्णु, इसका मतलब हर क्षण, मतलब निरंतर, मतलब वो तेल का धार कैसा होता है, निरंतर होता है ना, या हनी कैसे निकलता है, निरंतर। वो कह रहे सततम क्या करना है, स्मरण किसका, विष्णु कृष्ण भगवान भगवत तत्व, विस्मर्तव्य न जातोचित। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, पहला ये ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, दूसरा क्या है, नेवर फॉरगेट कृष्णा। आप लोग ये क्या बात हुई, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा का मतलब ही है नेवर फॉरगेट कृष्णा, सही बात है, लेकिन ये दो बार क्यों कहा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा सही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, फिर ये कहा नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये इसलिए कहा क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा हम करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जब कभी हम संसार के काम में लगेंगे, क्योंकि वो तो करना पड़ेगा ना संसार का काम, कुछ कुछ अलग अलग चीजें संसार का चलता रहेगा, उस वक्त हम भगवान को भूल सकते हैं, तो इसलिए वो, क्योंकि हमें तो करना पड़ेगा। देखिए मैं क्या अकेडमी का जॉब छोड़ दूंगा क्या, इतना सब बोला मैंने आज, और कल से मैं बैठ जाऊंगा 24 घंटे, ये नहीं होने वाला, मैं कल वापस अकेडमी जाऊंगा, वापस पढ़ाऊंगा, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल जाऊंगा कि भगवान भी कुछ होते हैं, श्री कृष्ण भी कोई है, सब कुछ यही न्यूटन है, न्यूटन फोर्स एक्सेलरेशन यही है, मेरा दिमाग वहां चला जाएगा, है कि नहीं, मैं भूल जाऊंगा, इसलिए सेकंड लाइन बोला है विस्मर्तव्यम न जातुचित। अगर भूलने की भी कोई पॉसिबिलिटी है वहां, तो भी वहां मुझे लाके खड़ा कर दो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति, ये है इसका मीनिंग। तो इसमें कहा है सर्व विधि निषेधास्युर, शास्त्रों में जितना भी विधि दिया गया, क्या दिया गया, विधि, विधि विधान दिया और निषेध दिया गया, ये मत करना, सुबह उठ के ऐसा मत करना, अगर धोती नहीं पहने हो तो ऐसा मत करना, अलग अलग नियम, ये करना है तो ये करना, वो करना है तो ये खाए हो तो वो मत करना, इतना सब कुछ है ना, बहुत नियम कानून है। वो कहते हैं ये सारे नियम कानून इसी दो कानून के सर्वेंट है,
इसी दो कानून के क्या है, सर्वेंट, मतलब तुम बाकी मत करो, तुम ये करो, ऐसा कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? स्मरदम सततम विष्णु। तो श्री प्रहलाद महाराज जो है वो यही कर रहे हैं, वो सततम क्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही कहा है तुम्हारे भगवान, बोला है हर जगह है, तुम्हारे अंदर भी है, कह दिया किसको, हिरण्यकश्यप को, तुम्हारे अंदर भी है। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया, बोला आई एम इंडिपेंडेंट, मेरे अंदर कैसे। तो उसने खंभ पे मारा बहुत जोर से, तो वहां से भगवान को प्रकट होना ही था, क्योंकि भगवान के भक्त ने पुकारा था। इसलिए भगवान कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं, और मेरे भक्त जो मेरा जो असल भक्त है, अगर वो कुछ कह देगा तो मुझे वो करना ही है। अब बताइए स्वामी कौन है, दास कौन है, कहना बड़ा कठिन है कि स्वामी कौन है और दास कौन है, लेकिन वो उन दासों के लिए जो सचमुच समझते हैं कि हम दास हैं, उनके लिए भगवान दास बन जाते, जबरदस्ती आ जाते मुझे दास बना लो, है कि नहीं। तो भागवत में एक और श्लोक है कि मैं मेरे भक्तों की चरण धूली प्राप्त करने के लिए इच्छुक हूं, भगवान स्वयं। तो इस तरह का एक संबंध है भगवान और भक्त का, लेकिन इसके लिए हमारा जो जर्नी है वो बहुत बड़ा है। वहां से शुरू होता है आत्मा, खुद को आत्मा समझना, हमारा धर्म क्या है, भागवत विधि समझना, फिर वो भक्ति करना, साधना भक्ति करना, हर समय भगवान का ध्यान करना, इस संसार से विरक्त होना, भगवान में अनुरक्त होना, बहुत सारी चीजें। और आप देखेंगे बार बार हम भूल जाते हैं, सब लोग ध्यान दे सकते हैं, बार बार हम लोग क्या होते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं, या फिर हम थोड़ा ध्यान रखते, अच्छे से चिंतन नहीं करते। हाँ, तो प्रभुपाद जी के परपट के साथ हम एंड करेंगे, 3 मिनट बचे। तो उसी परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन मस्ट स्ट्रिक्टली चैंट हरे कृष्णा महामंत्र 24 आवर्स। क्या लिख दिया, वन मस्ट स्ट्रिक्टली चैंट हरे कृष्णा महामंत्र 24 आवर्स। आप जाके पढ़िए, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है या मैं बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ ऐसा लग रहा है आपको, जाके देखिए आप। मैंने बताया आपको चैत्य चरितामृत मध्य लीला 22वां चैप्टर 113वां श्लोक में, लेकिन वहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं बट फर्स्ट स्टार्ट विथ फ्यू राउंड्स, उसी लाइन में कहते हैं, लेकिन पहले क्या करो, कुछ राउंड से स्टार्ट करो। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद कि ये मेरा आदेश है कि कम से कम 16 राउंड सब लोग करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है, सततम वो स्मरतम सततम विष्णु, वो एक्सपेक्टेशन हमारे गुरु महाराज का भी, हमारे श्री प्रभुपाद का भी वो एक्सपेक्टेशन है कि हम यहां तक पहुंचे। तो मैंने इसलिए आपको ये लास्ट में ये प्रपट बताया कि ये नहीं है कि मैं बहुत सारे श्लोक ले रहा हूँ, हमारे जो आचार्य है वो भी यही बता रहे हैं कि पहुँचना तो वहीं तक है, पहुँचना तो वहीं तक है। अब ये कैसे होगा, 24 घंटे हरिनाम कैसे ले सकते हैं हम लोग, इस पे हमें चिंतन करना होगा। तो इसके लिए ही ये इस्कॉन जो है इस्टेब्लिश किया गया है कि आप 24 घंटे नहीं कर पाएंगे। उसी परपट में आगे प्रभुपाद कहते हैं, उसी परपट में, इसलिए आप क्या करिए, आप जो भी करते हैं, यद करोसी यद अश्नासी, आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर रहे हैं आप, यद करोसी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद, आप जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी आप दान दे रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, यद अश्नासी कुरुस्व तद मद अर्पणम, वो आप मुझे अर्पण करो। इस तरह हमारी भक्ति, ये जो है ये साधना भक्ति के पॉइंट्स है, मतलब ये यहाँ से शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ पे साधना भक्ति हम लोग सीख रहे तो वो साधना भक्ति करते करते हम इस स्तर पे आएंगे, सततम स्मरतम सततम विष्णु विस्मरतम न जाते, और हमारी यह सेवा भी चलती रहेगी। यही सेवा जो हम यहाँ कर रहे हैं, ये भगवान सब नोट कर रहे हैं कि तुमने आज मेरे लिए ये सेवा की, और भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, चाहे हम झूठे मन से कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे संसार में लोग कहते हैं
पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये गाना है बहुत पुराना, संसार में लोग तड़प गए, प्यार ही नहीं मिल रहे, बोल रहे पल भर के लिए कर ले यार, झूठा कर लो, झूठा ही कर लो। तो भीख मांग रहे हम यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? भीख, प्रेम की भीख। भगवान भी कह रहे पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर लो, झूठा ही सही, मैं तुम्हें सच्चा प्यार दूंगा। तुम झूठा ही कर लो फिर भी मैं तुम्हें क्या दूंगा? सच्चा। क्यों? क्योंकि वही था, अकामो सर्व कामो वा, तुम कैसे भी आओ मेरे पास मैं दे दूंगा। इस संसार में कोई बोलेगा आपको ऐसा? देखिए बहुत डिफरेंस है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान के पास कैसे भी जाओ, ये मत सोचो कि मैं बहुत तुच्छ हूं या मैं बहुत महान हूं। आप जैसे भी है भगवान आपको हैंडल कर लेंगे, भगवान आपको प्रॉपर हैंडल करेंगे आपके हिसाब से, 1-1, 1-1। वो सुप्रीम सत्ता भगवान पूरा आपको पर्सनल अटेंशन देंगे, 1-1। वो क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी है, हमारे पास नहीं। जैसे मैं अगर आपको देख रहा हूं उधर नहीं देख सकता, है कि नहीं? भगवान तो किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। कौन सा श्लोक है वो? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, वो किसी भी अंग से, और वो बिना कोई अंग बना बिना कोई इंद्रियों के बिना भी काम कर सकते हैं, संकल्प मात्रेण, मन में सिर्फ क्या करके संकल्प करके ही काम हो जाएगा। इसलिए वो प्रमुख सत्ता, वो भगवान जो हमारे साथ है और हम सबके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम सबके लिए पूरा सिंगल फुल, हमारे लिए एक एक के लिए। इसलिए भक्ति में द्वेष नहीं हो सकती, भक्ति में क्या नहीं हो सकता? द्वेष हो ही नहीं सकता। जैसे मानिए द्वेष कब होगा? जैसे एक बड़ा आम एक छोटा आम है, अब दो बच्चे दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, मुझे बड़ा आम चाहिए, ये तो बड़ा छोटा हो गया इसलिए द्वेष हुआ ना। यहाँ कैसे द्वेष हो सकता है? क्योंकि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो पूरा आपके साथ है, इसलिए यहाँ पे द्वेष हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्ति द्वेष रहित है, इसमें ना द्वेष ना क्रोध कोई जगह नहीं है, सिर्फ अपनी भक्ति हमें करनी है, अपनी भक्ति हमें करनी है। मतलब भगवान आप मेरे हो, मैं भी आपका हूं, आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ आप मेरे हो और कोई नहीं, सिर्फ आप मेरे हो लेकिन मैं भी आपका हो, मतलब ये सब आपके हैं, इसलिए द्वेष नहीं है। तो इसलिए ये भक्ति योग और ये बहुत ही हमें समझना रहेगा, हमें और इस तरह से पढ़ना रहेगा, सोचना रहेगा और समझना रहेगा। लेकिन कुल मिला के जो है ये है कि हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान को अपना समझना है और भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान के विषय का चिंतन करना है, उनके लिए हमें कार्य करना है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उनके प्रसन्नता के लिए करना है, उस भाव से करना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो इस भाव से पढ़ाऊँ कि ये बच्चा अच्छे से पढ़े, ये मेरे लिए अच्छा चिंतन करे, इससे इसका भी अच्छा हो, और ये मेरा अच्छा चिंतन करे इसका भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं भगवान से कनेक्ट हो रहा हूँ, ये मेरा अच्छा चिंतन करे भगवान इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको बुरा ना बोलूँ, मैं इसको डांटू ना, कोई भी कार्य इस भाव से करे कि लोग आपसे प्रेरित हो जाए और वो ये जानना चाहे कि ये इंसान ऐसा कैसे है, ये जानते जानते वो भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी हमें दूसरों को प्रेरणा देना है अपने अच्छे व्यवहार से, और वो व्यवहार करना है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये भी बहुत सारे श्लोक हैं गीता में, अभी हमें टाइम नहीं है तो आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो चैप्टर नंबर 12 डिवोशनल सर्विस, उसमें लगातार भगवान बता रहे कि कौन मेरा प्रिय है, भक्तिमान समय प्रिय, वो पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, आप समझेंगे वो मेरा प्रिय है जो अच्छे से बिहेव करता है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जो किसी को दुख नहीं देता, ये सब चीज़ें वहाँ लिखी है, वो मेरा प्रिय भक्त है। मतलब हमें व्यवहार में परिवर्तन लाना है, अच्छा भक्त बनने के लिए हमें किस में परिवर्तन लाना होगा? अपने व्यवहार में लाने की प्रयत्न करना, धीरे धीरे होगा, हम सबको कोशिश करना होगा, वो अच्छा होगा। तो भगवान वहाँ लिखते हैं 12 चैप्टर में, 20 श्लोक है, ज़्यादा नहीं है, वो पढ़िए आप वहाँ पे, भक्तिमान समय प्रिय, बार बार कौन है वो भक्तिमान, सुपरमैन नहीं, भक्तिमान, हु इज दैट भक्तिमान, जो मेरा प्रिय है समय प्रिय, वो बहुत अच्छा है वो चैप्टर, हम ये समझने के लिए हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसके साथ हम लोग 5 मिनट ज़्यादा ही हो गए, एक भजन गा सकते हो, मानस से देखा गया,
हम लोग